नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपने सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से। आप जानते हैं, दस्तक में आपकी मुलाकात होती है उन हस्तियों से जो कलम के सिपाही हैं, जो साहित्य में अपनी उड़ान पर हैं, अपनी खास पहचान बना चुके हैं। और इस कड़ी में आज मैं आपको हमारे जो मेहमान हैं उनसे मिलवाने वाली हूँ। मैं एक बात तो कहना चाहती हूँ कि आज की जो हमारी मेहमान हैं वो महिला हैं, और महिला अपने आप में ही सृजनहार होती है और ऊपर से एक सृजनहार होती है, साथ ही वो कलम थाम ले तो कलम से भी सृजन करती है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। यानी एक तरफ से तो हम ये कह सकते हैं कि महिला जो है प्रकृति को संरक्षण करती है, प्रकृति का पालन पोषण भोषण करती है, लेकिन उसके साथ साथ जब वो कलम को थाम लेती है तो वो नई दिशा भी देती है। क्योंकि नारी मन की संवेदना को जितने अच्छे तरीके से नारी लिख पाती है अगली नारी के लिए या किसी और की स्थिति को देखकर, वो शायद कोई और नहीं कह सकता उन जज्बातों को। और बात जज्बात की है तो फिर हम भी पूरे जज्बात में हैं आपको जो है उनसे मिलवाने के लिए। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको उनके बारे में बताना चाहती हूँ कि आप कविताएं कहती हैं, कहानी कहती हैं, यानी कि आपकी दो पुस्तकें प्रकाशित हैं। इसके अलावा समय समय पर अनेक संकलनों में आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में भी। और मैं तो ये कहूँगी कि शहर के कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराते हों। साहित्य संस्थाओं, अनेकों साहित्य संस्थाओं के आप सदस्य हैं, और संगीत का शौक़ है, बागवानी का शौक़ है, और समाज सेवी का भी बहुत दिल से समाज सेवा करती हैं। अनेकों योगदान हैं आपके जीवन में जो आप कर रही हैं, जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और महिलाओं का कोई भी आयोजन हो, कोई भी संगीत मंडली हो, कोई कीर्तन मंडली हो, चाहे कोई पूजा पाठ का विधि विधान हो, या किसी के सुख दुख की बात, वो एक महिला शक्ति के रूप में हमेशा मुखरित होती हैं। और आज हमारे स्टूडियो में हर बात करते हैं उनके सम्मानों की, तो अनेकों संस्थाओं द्वारा जो है आपको सम्मान, आपको आपकी झोली में है, आपकी जो झोली है अनेकों सम्मानों के साथ, अलंकारों के साथ अलंकृत है। तो ऐसी हस्ती हमारे साथ हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ रेखा मित्तल जी की। तो दोस्तों, देर कैसी, आइए मिलवाते हैं आपको रेखा जी से। रेखा जी, आपका जस्ट टीवी के प्रांगण में दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। मैं धन्यवाद करती हूँ उर्मिल सखी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे यहाँ अपने प्रांगण में बुलाया, और मैं बयान नहीं कर सकती मैं कितनी खुश हूँ जी। और आप बयान कर ही नहीं सकते, हम कर सकते हैं। हम खुल के बयान करते हैं कि रेखा जी का स्टूडियो में आना हमें बहुत ही आनंददायक लग रहा है, क्योंकि हम इतने आनंदित हैं कि हम आज उनसे जानेंगे कि किस तरह से वो खुद को इतना एक्टिव रखती हैं, साइकिलिंग करती हैं, योगा, मेडिटेशन, संगीत और बागवानी, और ऐसे ग्रुप बना रखे हैं जिससे कि हेल्थ फिटनेस के साथ साथ सामाजिक सरोकार से भी जुड़ती हैं। तो आज हमने आपसे इतना कुछ जानना है, तो मैं तो ज़्यादा आनंदित थी, तो मैं इजहार कर देती हूँ अपने प्रेम का आपके लिए। चलो, हम दोनों ही एक दूसरे से मिलके आज आनंदित हो गए। बहुत खूब। और आप कहानी कहती हैं, कविताएं कहती हैं, और दोनों ही विधाएं मेरे ख्याल से ऐसी विधाएं हैं, गद और पद दोनों ही विधाओं में अपनी भावनाओं को, जज्बात को बहुत अच्छे से कहा जा सकता है। कहानी में जो संदर्भ देकर जिस तरह से जीवन को आप अंकित करती हैं, संचित करती हैं रचनाओं में, कविताओं में एक पेज या दो पेज में उसको जो है बयान कर लेते हैं संवेदनाओं के साथ। दोनों ही विधाएं बहुत, मैं कहती हूँ कि दोनों का अपना अंदाज होता है। जो कहानी है वो समय मांगती है और कविता कम समय में सुनी जाती है, बस इन दोनों में इतना फर्क होता है। पर कई बार कहानी, कविता में बहुत अच्छी कहानी छिपी होती है ना, और कई बार किसी की कहानी जो है वो अपने आप में कविता होती है, तो इस तरह से ताल्लुक रहता है। और मैं देख रही हूँ कि आपकी जो किताब है, बेहद खूबसूरत किताब है दोस्तों, दूज का चांद। तो ये जो दूज का चांद है रेखा जी, मैंने तो अक्सर ये देखा है कि ईद का चांद, यानी हम ईद का चांद देखते हैं, करवा चौथ का चांद देखते हैं,
है ना। और कम कोई हमारा दोस्त होता है, बहुत मुद्दत बाद हमसे मिला होता है, तो हम उससे कहते हैं भाई तुम तो ईद का चांद हो गए हो। लेकिन ये जो दूज का चांद है, ये मुझे संकेत दे रहा है भाई का, क्योंकि भाई को भाई दूज होती है और दूज का चांद तो भाई होता है, मेरी नज़र में तो यही मतलब है। बाकी आपकी किताब है, तो इस किताब के बारे में आप बताइए कि ये किताब कब आई और ये किस विषय पर है, और ये जो दूज का चांद है ये क्या शीर्षक रखता है आपके लिए मायने। नमस्कार जी दोस्तों, सुनने वाले सभी दर्शकों का मैं स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आपने पूछा है दूज का चांद, ये एक तो ये मेरी पहली पुस्तक है, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है। जी, पहली पुस्तक। हाँ जी। और लिखना, जैसे मैं आप बता रही थी, मैं तो 30 साल बिल्कुल छोड़ दिया था। अच्छा, 30 साल छोड़ दिया था। हाँ, जैसे 30 साल पहले लिखा करते। हाँ, शादी से पहले जब पढ़ती थी यूनिवर्सिटी में तो लिखा करती थी। अच्छा, तब लिखा करती थी। और उसके बाद पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, विरोध ज्यादा नहीं कर पाए, और PhD में एनरोल था, पर वो कहते हैं बांधी जिस संग डोर उस संग चले गए। और अच्छा, हाँ, डोर जहां जिसके हाथ और अच्छा जीवन जिया। ऐसा नहीं, मैं आपकी इसी बात से, एक सवाल से जवाब निकलेगा, जिसके हाथ में हमारी डोर है तो पतंग का वही छोर है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि डोर जो होती है ना, वो बंदे के हाथ में रह जाती, पतंग जिस पतंग को उड़ना होता है वो चाहे उसे कटना पड़े वो उड़ेगी। नहीं, उस समय मैंने परिस्थितियों से विरोध नहीं किया। विरोध नहीं किया? आपने कटने का नहीं सोचा? ना, ना। पतंग नहीं, बस उस समय मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो चली जाऊं साथ में या मैं अकेली रह जाऊं। तो जो हमारे संस्कार कह दो भारतीय है, माता पिता ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा उस समय। आज के समय में और उस आज से 34 ईयर्स हो गए मेरी शादी को, 34 साल पहले बहुत फर्क था। तो बस फिर हम चले गए। इस बात में दम है आपके कि समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं। हाँ। आज की लड़की शायद ये कहेगी कि मेरी जो मंजिल है, हाँ, मुझे वहां जाना है, मुझे किसी के हाथ में अपनी डोर नहीं देनी, मुझे स्वतंत्र पतंग होना है। पर मैं उस चीज का ये भी मानती हूँ, हर किसी चीज का समय आता है। शायद मुझे भगवान ने या नियति ने मौका दिया, हस्बैंड का ट्रांसफर वापस चंडीगढ़ हुआ, दोस्त मित्र मिले। चलो इन पे बात करेंगे। तो आपने 30 साल पहले जब लिखी तो कॉलेज के टाइम पे, उसके बाद अब जो है 30 साल बाद शुरू की फिर से लिखना, माहौल बना, परिस्थितियां बनी, तो ट्रांसफर के बारे में क्या बता रहे थे? आप कहाँ रहते थे पहले? हम चंडीगढ़ के बाद मैं सीधी हरिद्वार चली गई थी शादी के बाद। अच्छा जी। हाँ, चंडीगढ़ से आना जाना रहता था, पर मैंने अपने आप को यूनिवर्सिटी से, दोस्त मित्रों से बिल्कुल अलग कर लिया। थोड़ा तकलीफ होती थी भी, मैं कुछ कर नहीं रही, सब लोग PhD कर रहे हैं या जॉब, मेरे को जॉब भी मिल गया था एडहॉक पे, तो भी वो सब छोड़ना पड़ा, तो वो तकलीफ होती थी। फिर यार उसका रीजन क्या था कि पति की पोस्टिंग हरिद्वार थी, थी। हाँ। अच्छा, इस वजह से वहाँ जाना पड़ा। और हाँ। यहाँ के जो आपके सपने थे वो सब वो थोड़े डिब्बिया में बंद कर दिए और समय आने पर आपने अब निकाल लिए। वो कहते मैं नियति, वो कहते ना भी जब तुम्हारी इच्छा होती तो कायनात भी तुम्हारे साथ हो जाती है। तो वही मेरे साथ कुछ हुआ, जब चंडीगढ़ आए तो ऐसे एक बार एक दोस्त मिले और मैं फोन व्हाट्सएप पे ऐसी बात हुई, फोन भी नहीं हुआ, मतलब कि डर था भी ये वही है या कोई और है, नंबर दे दिया। तो मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा, क्या करती है? मैं क्या करना क्या, रोटियां बनाती हूँ। अच्छा। तुम लोग तो बड़े बड़ी पोस्ट पे पहुंच गए हैं। अच्छा। तो कहते इतना निराशावादी एटीट्यूड जीवन के प्रति। अच्छा। अब कर लो, क्या बात है, जीवन खत्म थोड़ी हो गया है। तो बस उनका एक सेंटेंस था, अब कर लो। तो मैंने बोला मुझे लिखती है, मैंने कहा हाँ लिखती पढ़ती हूँ। तो कहते कभी कहीं छपवाया? मैं कहा कभी भी नहीं, डायरियों में रजिस्टरों में पड़ा है। तो कहते अच्छा भेजना। तो फिर कहते किताब छपवाओ। मैं कहा मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं किताब कैसे छपवाऊं। अरे एक चीज और है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि ऐसे मित्र हैं जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया। और जब आपके मित्र ने कहा कि, जब आपने कहा कि मैं तो लिखती पढ़ती हूँ बस, और मैं गृहिणी हूँ और कुछ नहीं कर रही, आप लोगों की तरह मैं बड़ी बड़ी पोस्ट पर नहीं हूँ, तो उन्होंने जब आपसे कहा कि भाई जीवन के प्रति इतना निराशावादी दृष्टिकोण, तो फिर आपके आपको कैसा लगा सुनकर? नहीं, मुझे थोड़ा सा वो लगा भी नहीं, मैं ऐसी नहीं थी। तो कहते हैं भी हमने तो ऐसी रेखा को नहीं देखा था, कॉलेज टाइम में मिले हुए थे, पूरे 30-32 साल बाद मैं उनसे बात कर रही थी, MPhil में मेरे साथ ही थे। तो कहते हैं अब कर लो। तो बस फिर उन्होंने बोला, मैं क्या मुझे करना नहीं आता? तो कहते हैं करना नहीं आता तो पता लग जाएगा, कोशिश करो, कोशिशें कामयाब होती हैं।
तो उन्होंने बस कुछ रास्ता सुझाया कि और किस तरह से कविताएं लिखना फिर आपने शुरू कर दिया दोबारा। हाँ, कविताएं मैं लिख रही थी पिछले मतलब कि 2021 में कोरोना टाइम में, जब खाली थी। वो कहते हैं जब बाहर सब कुछ बंद था तो अपने अंदर झांकने का अवसर मिला। क्या बात है, तो वाकई वो दौर था ही ऐसा हाँ, कि खुद को समझ लिया खुद को समझ इंसान ने। लिया, हाँ क्योंकि परिवार वाले सब व्यस्त रहते थे, ऑफिस चलता था घर में, तो मैं अकेली रहती थी। तो बस फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। वाकई। हाँ, दो चार फेसबुक से साहित्यिक उनसे जुड़ गई हूँ, ग्रुप से, एक की मैं एडमिन भी रही हूँ 2-3 साल फोकस साहित्य के नाम से। एडमिन का तो मुझे लगता है रेखा जी आजकल ये हाल है कि पढ़ा लिखा ना होना भी जरूरी नहीं है। नहीं, उन्हीं फेसबुक और उसने व्हाट्सएप ऐसी चीज बना दी है कि जो बिल्कुल गांव में बिल्कुल अनपढ़ है वो भी अपने हाथ अच्छे से चला लेते हैं कीपैड पे हाँ, नहीं मोबाइल की, उसमें और मैं हम प्रतियोगिताएं कराते थे। और वीडियो देखना हाँ कमेंट करना ये सब तो अब सबको आ गया है, हाँ चाहे फिर कोई पढ़ा लिखा भी उससे नहीं है। मैंने लिखनी में थोड़ा मिल गए थे, निखारा है, परिष्कृत होते निखारा चले है। गए। फिर जब चंडीगढ़ आ गए तो उसके बाद 2022 में मेरी ये किताब आ गई। तो इसमें क्या कविताओं की किताब ये है कविताओं की किताब जी, है। तो ये दूज का चांद हम भी देख लें जरा। हाँ तो इसमें से नहीं, मैंने वैसे तो देख लिया, और ये दूज का चांद तो मुझे लगता है आप ही दूज का चांद है। इसमें से कुछ कविता हो जाए हाँ जी, जी। इसके बारे में, एक नाम के बारे में मैं बताती हूँ। हाँ ये मेरे मित्र ने ही इसका नाम सुझाया था क्या बात है। और उन्होंने लिखा, जैसे दूज का चांद बहुत कम निकलता है या बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, तो तुम भी बहुत साल बाद दुनिया के सामने आ रही हो, तो इसलिए इस क्या पुस्तक का बात है, नाम हम दूज का चांद क्या बात है, वाह रखेंगे। वाकई। और एक बात और कहते हैं, दूज के चांद से तुम्हारी ये लेखन यात्रा शुरू हुई है और ये पूर्णिमा के चांद तक जानी क्या बात चाहिए। है, बहुत खूबसूरत प्रेरणा है, और ऐसे मित्र सबको मिले। तो इस किताब से कुछ चाहती हूँ कि कुछ सुनाए जी। चलो मैं एक गृहिणी पे ही सुनाती हूँ। स्वागत है। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। मुश्किल जरूर था सफर ये मेरा, हमारे जो दर्शक हैं आपको बहुत ध्यान से देख रहे हैं जी। मुश्किल जरूर था सफर मेरा, पर बहुत शिद्दत से निभाया मैंने। अपने सपनों को डिबिया में बंद कर एक खूबसूरत संसार बसाया मैंने। जी। अपने सपनों को डिबिया में बंद कर एक खूबसूरत संसार बसाया मैंने। जब आप बोलते हो क्या करती हो, प्रश्न किया जाता है मुझसे, पढ़ाई के बाद क्या किया तुमने, समय कैसे बिताती हो, बच्चे तो बड़े हो गए पर क्या बताऊं, समय ही तो नहीं है मेरे पास। भावुक हो रहे हो आप। हाँ, थोड़ा सा कुछ कुछ रहस्य है। कुछ कुछ ना, मतलब कि वो चीजें ना दिमाग में चलती जाती हैं, भी जो हमने किया था और जो छूट गया था नहीं, जो। भावनाएं जो है ना वो संभावनाएं पैदा करती हैं। हाँ जब जी, आप भावनाओं से पीड़ित होते हैं या भावनाओं से उद्वेलित होते हैं, वही वो हाँ क्षण होते हैं जब आप कुछ नया करने की सोचते हैं और आपने फिर से कलम चलाई है और आप कविता पढ़ते हुए भावुक हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस कविता के पीछे कोई खूबसूरत सी कहानी है ना। जी। पर भावुक होना तो इंसान का मिजाज है, इंसान संवेदनाओं से भरा हुआ है, पर हम कविता पे ही ध्यान चाहते हैं जी। जब कहाँ पे मैं थी भी, तुम क्या करती हो, समय कैसे बिताती हो, क्या बताऊं, समय ही तो नहीं है मेरे पास। अपनों का ध्यान रखती हूँ और शायद इस सत्य को भूल गए तुम। मेरे अरमानों की नींव पर ही तुमने अपने सपनों का महल बसाया था। तुम्हारे महलों के ऊंचे कंगूरे सुनाते हैं दास्तां मेरे बिखरे जीवन की। तुम ही गिनते रहे अपनी सफलता के पायदान, मैं तो आज भी वहीं खड़ी हूँ जहां से अपना सफर शुरू किया था। क्या बात है। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। हाँ, मैं एक गृहिणी हूँ, सबको बहुत गर्व से बताती हूँ। मुझे गृहिणी बोलना, पहले एक समय में कोई पूछता था क्या करती हो, तो मैं बोलती थी नहीं कुछ नहीं करती, मैं तो गृहिणी हूँ। नहीं, एक चीज़ और है कि अब मायने इतने बदल गए हैं दोस्तों कि जब ये कहा जाए गृहिणी तो समझ में आता है, लेकिन जब उसको तंग किया जाए तो वह गृहिणी हो जाती है।
नहीं, मैं इसको ऐसे बोलती हूँ, गृहिणी में तब्दील वो होने है जो पूरे घर उसका ऋणी है। बिल्कुल, पूरा परिवार हमने संभाला है। गृहिणी से वो गृहिणी भी हो जाती है जब उसको तंग किया जाए, सबके ग्रह बदल देती है। हाँ जी। तो स्त्री में जो शक्ति है वो तो किसी में नहीं है। नहीं, वो तो है, बच्चों पे पति पे आए तो वो दुनिया से लड़ लेती है। मैं कहती हूँ इस बात को सब समझते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हाँ पुरुष समाज में मेरे जो दर्शक हैं, जो पुरुष हैं, वो बुरा ना मान जाए, लेकिन मैं ये बात कहना चाहती हूँ, आपकी बीवी जो है किसी का घर छोड़कर आई है, सही बात तो है। आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे, इस दर्द को, लेकिन जब आपकी बेटी जाती है उस पीड़ा को आप तब समझ पाते हैं कि दूसरे के घर जा रही है, तब आपकी आंखों में आंसू आते हैं, तब नहीं आते जब किसी की लेकर आते हो। तो हमारे समाज उसमें किसी का दोष नहीं है, हमारे समाज की बहुत अच्छी परंपराएं हैं और ये परंपराएं ही इन्होंने हमारे संस्कार को पश्चिमी सभ्यता से, हमारे जो भारतीय जो हमारी पूर्वी सभ्यता है, इसको बचा के रखा है और ये बचे रहने भी चाहिए। तो उल्टी गंगा पहाड़ को नहीं जानी चाहिए। सही बात है। बहुत जरूरी है कि ये क्रम चलता रहे और ऐसे ही घर बसते रहे। हाँ जी, हाँ और जी। कविताएं भी ऐसे ही चलती रहे। तो अब आते हैं अगली कविता पर, ये कंप्लीट हो गई। हाँ जी, ये कंप्लीट तो हो गई। दूसरी कविता पे ध्यान चाहती हूँ जिसमें आप इमोशनल ना हो, सूझबूझ से बात करें। ठीक है जी, चलो ये भी महिलाओं को समर्पित है कविता जी, उसमें थोड़ा सा ये है, चलो नहीं, इंसान रहने दो, मत लिखो मुझ पर कविता, थक गई हूँ संघर्ष करते करते, मुझे भी आजाद रहने दो, जीना चाहती हूँ मैं भी, नहीं चाहती मेरी पूजा करो, क्योंकि नहीं दे पाऊंगी बलिदान मैं अब। क्या बात है, बस अब और त्याग नहीं। क्या बात है, मुझे भी इंसान रहने दो, मत ढालो मुझे अपने बनाए सांचों में, मत ढालो मुझे अपने बनाए सांचों में, मैं भी उन्मुक्त आकाश में उड़ना चाहती हूँ, अपने ख्वाबों को सजाकर मैं भी जीना चाहती हूँ, ना मैं देवी ना सरस्वती, मैं तो एक हार्ड मास का इंसान हूँ, नहीं रह सकती मैं हरदम सशक्त, औरतों से हमेशा बोला जाता है भी तुम स्ट्रोंग बनो, नहीं रह सकती मैं हरदम सशक्त, मैं भी कमजोर होती हूँ, भावनाओं और एहसासों में आकंठ, मैं भी अश्क बहाती हूँ, मत समझाओ मुझे अपनी मजबूरी, मुझे इंसान रहने दो, मैं हर समय नहीं लड़ सकती, थकती हूँ मैं भी रोज दौड़ते दौड़ते, कोई चाहती हूँ कोई मेरा भी सहारा बने, मेरे मन को भी समझे, चाहती हूँ एक स्नेहिल स्पर्श, नहीं चाहिए कोई प्रमाण पत्र मुझे अपने त्याग और बलिदान का, नहीं चाहती कुछ और समझना, मैं ना समझ रहना चाहती हूँ, क्या बात, मत लिखो मुझ पर कविता, बहुत खूबसूरत, मैं भी इंसान रहना चाहती हूँ। रेखा जी, बहुत खूबसूरत कविता है। तो रेखा जी, जो आपकी कविता थी कि भी मैं स्त्री रहना चाहती हूँ, मत लिखो मुझ पर कविता, वाकई स्त्री को ये आपकी नज़र में, आपका नज़रिया क्या है कि इस तरह की कविताओं का, स्त्री से हमेशा ना बलिदान मांगा जाता है, त्याग मांगा जाता है, क्योंकि एक तो वो पहले ही अपना घर छोड़ के आती है, उसके बाद भी यदि उसको नौकरी करनी है या कुछ भी करना है, कुछ भी घर में परेशानियां आती हैं, तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड स्त्री रहती है। पुरुष को तो ऑफिस जाना है, नौकरी करनी है, बच्चा बीमार है, मैं मतलब कि उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वर्किंग है, तो वो छुट्टी मां लेगी। नहीं, वर्किंग का भी ये हाल है कि वो भी ऑफिस जाती है, फिर घर आते ही काम वाली बाई चांस नहीं है तो वो घर भी किचन संभालती है, बच्चे संभालती है, दोहरी नौकरी करती है। पति का उसके ऊपर ये कह कहा होता है, ये उसका तुर्रा होता है कि स्त्री को तो भगवान ने पहले ही मजबूत बनाया है। तो ऐसी स्थिति में क्या गुजरती है ना, कि जब ये कहा जाए कि वो तो भगवान ने स्त्री को ना धरती की तरह बहुत मजबूत बनाया है, मजबूत प्रकृति ने नहीं बनाया, स्त्री ने खुद को बनाया है, कि भाई वो नहीं करेगी तो फिर करना ही पड़ेगा। नहीं, फिर उसका एक तरीका है, जाके बिस्तर पर लेट जाओ और फिर पुरुष को थोड़ा सा सशक्त बनाओ। नहीं, वो हमारे, मैं एक चीज बोलती हूँ इसमें, हमारे जो समाज में पुरुष को सिखाया नहीं जाता। नहीं, मान लीजिए कि पुरुष को नहीं सिखाया जाता, पत्नी तो सिखा सकती है, सीखते नहीं है। तो इतना मजबूत भी मत बनो ना कि भाई
आप इतना ऊपर से मजबूत दिखे और अंदर से टूट जाए। पर ये समझ तब तक आती है जब तक समय निकल जाता है, मतलब जिम्मेदारियां पूरी कर चुके होते हैं तब लगता है यार हमने इतना किया, कोई कदर नहीं, कोई कदर नहीं है, तो ये स्थिति तब आती है। तो भाई, तो इसको हम ये कह सकते हैं भाई, जिनको अभी से समझ में आ रही हैं बातें वो समझ लें और समय से पहले इन चीज़ों को समझ लें कि स्त्री भगवान ने बहुत सशक्त बनाई है, पर पुरुष को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी की भी, तो जब माँ नहीं बना पाती, बहन नहीं बना पाती, तो पत्नी, तो पत्नी और पत्नी भी ना बना सके तो बेटी को अपने पिता को सशक्त बना देना चाहिए। सही बात है ना। तो ये जिम्मा किसी को तो उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्थिति तब ठीक थी जब महिलाएं घर पे रहती थी, घर पे रहती थी, सही बात। अब महिलाएं बराबर का काम कर रही हैं। तो मैं कहती हूँ ना, वो महिलाएं क्या कहती, मैं उनके लिए एक लाइन बोलती हूँ, मुझे काम से जाकर फिर काम पर जाना। हाँ, ये हम अक्सर फेसबुक पे इधर पढ़ते हैं, लिखा होता है, छोटे छोटे कोटेशन होते हैं, कहते हैं कि स्त्री काम से लौट कर भी काम पर ही लौटती है, काम पर ही। तो ये वाकई सच है। और अब जरा स्त्री विमर्श से बाहर आते हैं, वरना पुरुष हमारे जो है परेशान हो जाएंगे। और जी, बहुत खूबसूरत कविताओं की तो बात हो गई है। और जैसे कि मुझे ये बताइए कि आप कविता 30 साल के बाद फिर लिखना शुरू किया, 30 साल पहले कॉलेज में लिखते थे, जिन दिनों कॉलेज में लिखते थे तब किन से प्रभावित थे आप कविताएं लिखने के लिए? हम जैसे हिंदी साहित्य बहुत पढ़ा है, ये निराला, निराला गुप्त, दिनकर, महादेवी वर्मा की मैंने बहुत पढ़ी है, महादेवी वर्मा के लेख, मेरा परिवार जिसमें वो जानवरों के बारे में है, सब मैंने सोना है। असल में अपना अपना जो एकेडमिक कुछ इस तरह का रहता है, एमए का, एमफिल का, हिंदी जो हिंदी विधा वाले हैं, हिंदी के इंग्लिश का भी पढ़ा मैंने, जब बीए में थी, शेक्सपियर को, कीट्स को, शाह को। तो जब हम लेखन कर लिखा हमने, तो फिर उनका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आता है। और मुझे भी जैसे पहले लगता था भी मैं तो भूल चुकी हूँ सब कुछ, मुझे कुछ ही याद नहीं। एमए में जो हमारे आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं, तो उसमें तो अपना लिटरेचर रहता ही है, है ना, अपना साहित्यिक कहानी, गद्य पद सारे तरह के, और व्याकरण रहती है। तो जिनको इस काव्य धारा में बहना होता है वो तो बहके ही रहता है। और लेकिन कहानी की धारा में जो बहने का हुनर, जैसे कि मेरे पास आपकी एक किताब और है, बहुत खूबसूरत किताब है, कागज़ की कश्ती। दोस्तों, ये किताब है कागज़ की कश्ती। अब इस कागज़ की कश्ती को कितना और चलना है, ये कागज़ की कश्ती या स्त्री है, या ये सिर्फ एक संभावनाएं हैं इसमें, तो ये भी शीर्षक बहुत लाजवाब है। और एक गज़ल की लाइनें याद आ रही हैं, जगजीत साहब ने गाई है, ये कागज़ की कश्ती, ये बारिश का पानी। और हम पूछना चाहते हैं कि कागज़ की कश्ती, इसका सफ़र क्या है, कब लिखी है किताब, और इसमें क्या है? कागज़ की कश्ती, ये नाम मेरी पहली कहानी ही है कागज़ की कश्ती। मैं अपने पिता से बहुत प्रभावित रही हूँ, वो हरियाणा पुलिस में बहुत आला अफसर थे, और वो मेरे को बहुत सारी चीज़ें भी सिखाया करते थे जाने अनजाने में। जैसे एक बार हम कागज़ की कश्ती चला रहे थे पानी में, तो जरा सी दूर जाके वो गल गई, रोना शुरू हो गए। तो वो बोले, नहीं नहीं ये तो कागज़ की है तो गलेगी, इसका स्वभाव है गलना। और हमारे जो हमारा जीवन भी ऐसे ही है, जो हमारी परिस्थितियां आती हैं, जो भी होता है, हम उसमें प्रभावित होते ही हैं। जी, बहुत खूबसूरत। तो मैंने एक लाइन बोली भी, हम ऐसी कश्ती बनाएंगे जो गले नहीं, कागज की। हाँ, अच्छा। तो कहते बेटा, ऐसी कोई कश्ती आज तक बनी नहीं है जो गले नहीं। फिर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, उस कागज को लेमिनेट करना पड़ेगा। पर उसकी कश्ती नहीं बनेगी ना। नहीं, स्टेपल से किया जा सकता है, कश्ती को लेमिनेट करना पड़ेगा। मतलब वो टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, फिर वो कागज की कश्ती नहीं रहेगी ना, वो प्लास्टिक की कश्ती हो जाएगी। जी जी, ये बात भी सही है। और इस कागज की कश्ती में कितनी कहानियां हैं? 70 कहानियां। 70 कहानियां हैं। और तो मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी रेखा जी कि इन 70 कहानियों के विषय वस्तु क्या है, यानी कि दलित विमर्श, नारी विमर्श, और जितने तरह की समस्याओं के हैं, तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ भी है जो आपको समाज को प्रेरित करे? हाँ, इसमें काफ़ी मैंने विषय उठाए हैं, बालमन के व्यथा है, बालमन की कहानियां है, स्त्री तो विमर्श कर रही है, इसमें पुरुष के भी मैंने 2-3 कहानियां ऐसी जो पुरुष वर्ग को भी मैंने लिया है, उनकी वेदना को भी मैंने दर्शाया है, समाज के ऊपर भी काफी कहानियां हैं। एक कहानी है जैसे वृद्धाश्रम,
उसमें हल्का सा मैं उसका संदर्भ बताऊंगी जी, आपको जी, बिल्कुल भी। उसमें एक दोस्त दूसरे दोस्त को फोन करता है, तो वो फोन उठाता है तो दोस्त बोलता है भी तुम्हारी आवाज कुछ भारी लग रही है, तो दोस्त है पहचान जाते हैं, तो बोल रहा नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। कहते नहीं नहीं बताओ क्या हुआ, तो वो बोलता है हाँ कल रात घर में बहुत झगड़ा हुआ। तो बोलते ऐसा क्यों, वो कहते बस एग्जाम चल रहे हैं और जैसे घर घर की है, अभी घर में बुजुर्ग हैं और पत्नी मेरी बोलती है हम ही क्यों रखें, और भाई भी तो हैं उनको भी रखना चाहिए, पेरेंट्स को मेरे बच्चे के भी 12वीं के एग्जाम है, उसके कैरियर का सवाल है। तो वो कहते अभी मैं इतना परेशान हूँ भी मैं अपने घर के बुजुर्गों को कहाँ छोड़ूं। तो मेरी पत्नी ने वो तो कहते नहीं नहीं घर के बुजुर्ग कहाँ जाएंगे, घर के बुजुर्ग तो घर में ही रहेंगे। तो वो बड़ा दुखी होकर बोलता कहते तुम्हें नहीं पता शहरों में एक नई बीमारी आ गई है, लोग जो अपने घर के बुजुर्ग को रख नहीं पाते वो कुछ पैसे देकर ओल्ड एज होम में अपने बुजुर्गों को छोड़ आते हैं। तो कहते दोस्त बोलते अच्छा ऐसा भी क्या, कहते नहीं नहीं कहते ऐसा कैसे कर सकते हैं, कहते नहीं ये अक्सर होता है भी किसी को अपने बुजुर्ग अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं लगते, किसी को बुजुर्गों से परेशानियां होती हैं, तो कहां हम दादी नानी के गोदों में पले हैं, पर आज ये समाज हमारा इस दिशा में जा रहा है भी घर के बुजुर्गों को हम वृद्धाश्रम छोड़ के आ रहे हैं। तो वो आखिर में बोलता है शुक्र है मैं गांव में रहता हूँ, ये बीमारी गांव तक नहीं पहुंची, ये शहरों में ही है। क्या बात है, बहुत खूब। कहीं ना कहीं यह हमारी कहानी का बहुत ही खूबसूरत केंद्र बिंदु है कि ये बीमारी शुक्र है गांव तक नहीं पहुंची, है ना। तो अगर गांव में होती तो गांव वाले जो बुजुर्ग हैं वो भी कहीं वृद्धाश्रम में होते। और वाकई मैं खुद देखती हूँ वृद्धाश्रम में जो, हालांकि वहाँ पे ख्याल बहुत रखा जाता है उनका, पूरी केयर की जाती है, लेकिन बच्चे माँ बाप के घर में यहाँ रहते हैं भी कहते हुए हमने माँ बाप को रखा हुआ है, जबकि एक फर्क है भी माँ बाप ने ही तो बच्चों को रखा है। ये हाँ नहीं, इसमें भी दो तीन परिस्थितियाँ हैं। बात कहानी पर कर रहे थे, फिर हम वृद्धाश्रम में चले गए और कहानी का बहुत ही मतलब कहते हैं ना आज के समय के सबसे ताज़ा जख्म है ये, है ना। तो और जख्मों को भरने का काम लेखक का होता है, और इसके अलावा कुछ और कहानियों पर भी बात करनी है, लेकिन आप एक कविता बड़ी देर से सिलेक्ट किए बैठे हैं, आप बड़े सुनाने के लिए आतुर हैं, तो जी हाँ स्वागत है। ये कविता भी जैसे अखबार पढ़ रहे थे, पीछे दिनों एक घटना घटी थी एक लड़की के साथ, उसके 35 टुकड़े किए गए थे, तो हम बस समझ गए जी। हाँ, कविता पे ध्यान चाहती। श्रद्धा के साथ विश्वासघात भयावह और दर्दनाक, जिससे प्रेम उसे ही मौत, मौत भी ऐसी रूह कांपे, प्रेम का यह कौन सा रूप। बिल्कुल, प्रेम तो रूह का रिश्ता होता है, यह तो प्रेम नहीं था। चंद दिनों का मोहताज जिसके लिए अपनों से लड़ी, उसी ने खंड खंड कर दिया, तन ही नहीं रूह के भी टुकड़े कर दिए, प्रेम का यह कौन सा रूप। कितना रोई होगी, तड़पी होगी, खून हुआ प्रेम और विश्वास का, हताहत तन शत विक्षित मन, कैसे कोई करेगा विश्वास प्रेम पर, कब तक खून होगा नारी का, भ्रूण हत्या से लेकर बर्बरता तक, प्रेम का यह कौन सा रूप। जी बहुत खूबसूरत कविता है, और हम दोनों मुझे लगता है कि हम साहित्यकार भी हैं, तो मेरा विमर्श तो यही जाता है कि आज के समय में ऐसी परिस्थितियां ना हो तो बेटी को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखाए जाएं, तो बेटियों को भी मुझे लगता है सूझबूझ होनी चाहिए कि आपका प्रेम का जो है फंदा कहाँ डल रहा है, है ना। तो कौन से आप जो हैं अपने जीवन का स्वेटर बुन रही हैं, यार किससे प्रेम कर रही हो। हाँ, तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं, और उस प्रेम का वजूद क्या है, उस प्रेम की प्रकाष्ठा क्या है, और उसका फ्यूचर क्या है, बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है आज के समय में। तो बेटियों को शास्त्र भी सिखाना चाहिए और शास्त्र भी, क्योंकि शास्त्र आपको जो है संस्कार देते हैं। तो खैर समाज है, दुनिया है, और हर घर की अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। और बात एक सवाल आपसे जाते जाते पूछना चाहती हूँ, आप कहानियाँ लिख रही हैं, कविताएं, और अनेकों संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, और इतने सारे सवाल हैं, लेकिन एक इस सवाल को संक्षिप्त सुनना चाहूँगी आपसे कि अनेक संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, तो महिला जो रचनाकार हैं आपकी नज़र में कैसा लिख रही हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न उठाया है,
अपने हमारे शहर में बाढ़ सी आई हुई है लेखकों की, महिला लेखक उसमें प्रधान है, पुरुष लेखक तो पहले से भी है, महिला लेखक अभी कुछ समय पहले से ही आने आई हुई है, बाढ़ आई हुई है, पर उसमें भी दो तरह का लेखन हो रहा है, एक तो कुछ भी लिख रहे हैं, किताबों की गिनती मेरी 5 आ गई, 10 आ गई, 15 आ गई, पैसा है, हाँ, प्रकाशक को दे दी, छाप दी, बस उसकी कोई विकास यात्रा नहीं है। व्याकरणिक गलतियां भी बहुत होती है, जिसको हम, जैसे हमने भाषा विज्ञान पढ़ा, हमें प्रूफ रीडिंग, हमें पता क्या होती है, सही बात, हम पहले अपने लेवल पे प्रूफ रीडिंग करते हैं तब प्रकाशक को भेजते हैं, चाहे साल लग जाए, पर और एक कुछ रचनाकार ऐसे हैं, इसमें हम एक उदाहरण ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमें जज्बा कहना है, तो जज्बा का जो बहुवचन है जज्बात है, लेकिन जो व्याकरण का जिनमें ज्ञान का अभाव है वो जज्बातों बोलते हैं, जज्बातों बोलते हैं, और हाल का हालात है, लेकिन लोग हालातों बोलते हैं, तो जो इस तरह की जो व्याकरण की गलतियां करते हैं तो वहीं पे उसका रूप स्पष्ट हो जाता है कि बगैर पढ़ा लिखा। मैंने शब्दकोश खरीदा अभी, दो साल पहले मैं अपने मित्र को वर्ड्स लिख के भेजती थी, ये ठीक है, ये ठीक है, फिर उसने बहुत मेरी मदद करी, फिर उसने बोला शब्दकोश खरीदो, शब्दकोश में चेक करो लिखने से पहले, बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उस किताब को लिखकर हमने रद्दी में नहीं, उसकी एक यात्रा है, ताकि अगला पढ़ेगा तो वो भी वहीं से सीखेगा, है ना? नहीं, और हमें भी एक संतुष्टि मिलती, क्योंकि हमने एमफिल के द्वारा शोध पत्र लिखा तो गोले लग के आते थे टीचर से, हम कहते थे सर पूरा लाल है, तो कहते सीखोगे कैसे, चंद्र बिंदु नहीं लगाया, बिंदी नहीं लगाई। अभिव्यक्ति के हमारे एक टीचर थे, अभिव्यक्ति जो चंडीगढ़ की सबसे पुरानी साहित्यिक संस्था है, वीरेंद्र मेहंदी रहता, मैंने उनसे 3 साल पढ़ा है, टर्म पेपर भेजते तो गोले लगा के भेजते थे, तो हम बोलते थे सर क्या, कहते सीखोगे कैसे, उनका एक यही वर्ड है, सीखोगे कैसे, तो वो तो अब नहीं रहे, पर उनकी चीजें याद आती हैं। जी जी बिल्कुल, और मैं तो ये कहती हूँ कि जिस तरह से आपने अपनी यात्रा, जो ये जो बाढ़ आई हुई है ना, मुझे इसी बाढ़ में फिर से बहना है एक बार, तो ये जो बाढ़ आई हुई है साहित्य की, आपको बिल्कुल ठीक लगता है, तो आपने ये भी बता दिया कि बगैर प्रूफ रीडिंग के छाप लेते हैं शब्दों का जो है, तो भाव तो बाद में हम पढ़ते हैं, वो एक नजर में दिख जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ये जो संस्थाएं होती हैं, साहित्यिक संस्थाएं जिनसे आप जुड़े हैं, इनकी क्या भूमिका रहती है साहित्यकार के जीवन में, इस सवाल को मैं जो देखो, यदि समझना चाहे तो बहुत बड़ी भूमिका है, क्योंकि हम लोग, जैसे मैं भी अपने को उसी स्तर की गिनती हूँ, हम लोग सुनाने में विश्वास रखते हैं, जबकि हम सीखेंगे तभी जब हम सुनेंगे। जब इन संस्थाओं में जाते हैं, जो कितनी बार प्रबुद्ध लोग होते, कई बार बहुत नए लेखक है, बहुत गहरी बात कह जाते हैं, तो मेरा तो मानना है जितना हम सुनेंगे उतना हम सीखेंगे, और सीखने की प्रक्रिया ता उम्र चलती है। और जो मेरी कुछ कविताएं बहुत शुरू की हैं, जो दूज का चांद में भी है, मैं उनको आज देखती हूँ तो मुझे लगता है ये मैंने क्या लिखा है। नहीं, ये तो होता ही है, जब हम शुरुआती दौर की जो कविताएं होती हैं उनमें वही हमारा जो हमारी जो एक रूपरेखा होती है वो सिर्फ खाली भावनाएं होती हैं, लेकिन जब वो ग्रामर की दृष्टि से देखें उसको, व्याकरण हमारा पूरा उसको देखते हैं, मात्राएं, बिंदी, है ना, उसमें अनुप्रास क्या है, उसकी उपमाएं क्या है, उन चीजों से और लय और ताल, जय स्वच्छंद कविता होती है, अभी पीछे कवि नरेश जी आए हुए थे यूनिवर्सिटी में, उन्होंने एक इतनी अच्छी बात बोली, कहते स्वच्छंद छंद में कविता है, मुक्त छंद में, पर कहते मुक्त के साथ भी तो छंद लगा हुआ है, हम लोग तो प्रोज को ही टुकड़ों में बांट के लिख रहे हैं, वो कविता बन गई, पता ही नहीं चलता कि गद्य है कि पद है। हाँ, तो कहते लय और ताल होनी चाहिए, और कविता को लिखने से पहले पढ़ना जरूरी है। तुम 4 बार कविता को पढ़ोगे तो तुम्हें एहसास होगा तुम्हारी कविता में क्या है, और हमें कविता में शब्द, पर्यायवाची और समानार्थियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे वो लय और ताल ठीक बने। तो ये और वैसे भी हमारे जो बड़े बड़े कवि हैं, काफी कुछ लिख गए, उन्होंने एक बात कही है कि एक जो कविता है या कोई कहानी है, जब हम लिखते हैं सादा बयानी से लिखते हैं तो वो एक लड़की है, लेकिन जब उसका श्रृंगार करते हैं तो वो दुल्हन बनती है, कि उसको मेहंदी लगानी है, चूड़ी पहनानी है, चुनर ओढ़नी है, उसके महावर लगाना है, पायल पहनानी है,
तो उसका पायल, उसका नुक्ता कहाँ लगेगा, उसकी चंद्र बिंदु उसके माथे पे कहाँ लगेगी, विराम लगना है, उसकी सज्जा कैसे करना, उसका श्रृंगार कैसे करना है, ये हमें व्याकरण सिखाती है। और एक सुंदर दुल्हन को जो लिबास पहनाया जाता है तो वही एक जो है कविता का, कहानी का भी वही नहीं, बस वो एक चीज है ना, जल्दबाजी बहुत होगी हर चीज में, हम फास्ट जल्दी से जल्दी, मेरी किताब आनी चाहिए। मेरी अगली किताब आ रही है नेह के धागे, काव्य संग्रह है, उसका प्रूफ रीडिंग मेरे को करके दिवाली पे दे दी गई थी। दिवाली से अब तक नहीं, होली भी निकल गई पर अभी तक मैं उसको पब्लिशर को नहीं भेज सकी। और पैसे भी दिए हुए हैं पर तसल्ली नहीं हो रही। होनी भी नहीं चाहिए। एक अच्छा लेखक जो होता है ये उसका सबसे बड़ा गुण होता है कि वो अपनी रचना की खुद बार बार आलोचना करता है, समीक्षा करता है, उसको 2 महीने बाद फिर उठा के करेक्शन करता है और खुद पे बार बार डाउट करता है कि नहीं अभी भी गड़बड़ है, मुझे और देखना है। कुछ मेरे मित्र हैं यूनिवर्सिटी के, बहुत खूब, तो वो उनको मैं भेज देती हूँ तो कहेंगे घास काटनी है क्या इतनी क्या जल्दी, क्या आराम से करो, कोई शोध पत्र नहीं है, मेडल नहीं मिलने वाला तुम्हें, बहुत खूब, तो वो मेरे को एक डांटते हैं। जी जी, और ऐसे दोस्तों की बहुत दरकार है आज के समय में। मुझे ये बताइए कि आप कहानी कविता कह रहे हैं और गद्य पद तो कर ही रहे हैं, तो उपन्यास और गीत है और लेख आलेख, इन पर भी कभी सोचा है कलम चलाएंगी? नहीं, उसमें समय चाहिए, समय चाहिए, थोड़ी गंभीरता चाहिए, उपन्यास के लिए प्लॉट चाहिए, पात्र चाहिए, जीवन चित्रण चाहिए, बहुत समय। हम दुआ करते हैं कि आपको पात्र और प्लॉट दोनों मिल जाए और बहुत जल्द आने वाले समय में। मैं बाल साहित्य लिख रही हूँ, अभी एक काव्य संग्रह आएगा, फिर कहानी संग्रह और एक बाल साहित्य। हम जो है आपको आने वाले समय में जो आपकी पुस्तकें आ रही हैं उसके लिए बधाई देते हैं और इंतजार भी करेंगे। और आज आप स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें साझा करी और हम जो हैं दोस्तों आज आपकी मुलाकात हुई रेखा मित्तल जी से, जाना समझा बहुत कुछ और किस तरह से पता चला कि साहित्यकार कभी नहीं मरते। कुछ समय के लिए सुप्त हो सकते हैं, कुछ समय के लिए सुप्त हो गए हैं, लेकिन वो जागेंगे ज़रूर क्योंकि अच्छे दोस्त ज़िंदगी में हैं। और बहुत ही कुछ सीखा समझा और अब जो है मैं तो यही कहूँगी आप स्टूडियो में आए, दस्तक दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों अब मुझे और रेखा जी को यानी हम दोनों को दीजिए अनुमति। प्रणाम, सबका धन्यवाद।